अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसा टेक्निकलीज एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ZTE के ब्लेड A2 प्लस की, जो कि हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है और 6 फरवरी से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव फोन है, सो 6 फरवरी को 12 PM पर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट पर। ये एक बैटरी सेंट्रिक फोन है, इसकी यूएसपी है बैटरी, 5000 mAh की बैटरी है। चलिए बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की और मैं अपना ओपिनियन दूंगा इसके लास्ट में कि क्या ये वर्थ बाइंग है कि नहीं। सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन की। फुल मेटल बॉडी डिजाइन है जो कि सब में आपको देखने को मिल जाएगा, रेडमी नोट 4 में, रेडमी नोट 3 में वैसे ही हुआ है। और थोड़ी थिकनेस इसकी ज्यादा है 9.8 mm की और वेट में भी काफी ज्यादा है 189 grams का। अब बात करेंगे इसकी डिस्प्ले की। 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले है 404 PPI के साथ, सो डिस्प्ले ठीक है, इस डिस्प्ले ठीक है इस प्राइस रेंज में। प्लस 2.5D कर्व ग्लास का आता है और प्रोटेक्शन कोई नहीं है, कोई नहीं कोई ग्लास या कोई और ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं लगाई है इन्होंने, ये एक कमी है। बाकी अब बात करेंगे प्रोसेसर की। MediaTek का MT6750T प्रोसेसर है, ओक्टा कोर। ये एक इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है MediaTek का, काफी ओल्ड प्रोसेसर है और गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देने वाला। बैटरी वाइज ओके रहेगा कि बैटरी फॉर्म करेगा, क्योंकि बैटरी तो काफी बड़ी है ऑलरेडी वैसे भी इसकी, ठीक है। बाकी यही ये वीकनेस है इसकी MediaTek प्रोसेसर की। अब बात करते हैं इसकी मेमोरी की। 4GB और 32GB चाहता है, 4GB रैम है, 32GB इंटरनल है और आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक, बट हाइब्रिड सिम ट्रे है तो आप दो सिम चलाइए या फिर एक सिम कार्ड मेमोरी कार्ड यूज कर लीजिए। इतना मतलब कि 32GB भी कम है, 64GB तो एटलीस्ट होनी चाहिए थी। बाकी 4GB रैम दे दी, मल्टीटास्किंग इजी रहेगी, काफी अच्छी बात है 4GB रैम के साथ आया है। और कैमरा की बात करें तो 13 MP का रियर कैमरा है, PDF स्पॉटेड है, प्लस 8 MP फ्रंट कैमरा है। ब्यूटिफिकेशन मोड इसमें नहीं है, सो ये कमी है, ये भी ब्यूटिफिकेशन मोड नहीं आजकल सभी फोन्स में इस प्राइस रेंज में आ जाएगा 8 MP। और ये नॉर्मल है कैमरास तो इतने बढ़िया नहीं है। प्राइस इसका है 11999, ये ऑलमोस्ट 12,000 का फोन है। कैमरा का इतना मैटर नहीं करते 12,000 रुपये में, क्योंकि काफ़ी अलग मतलब रेडमी नोट 4 या वो कोई और फोन उठा लो इस प्राइस की रेंज में, K6 पावर, वो कैमरा वाइज इतने अच्छे नहीं है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। मैं बता चुका हूँ आपको 5000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बाकी देखने वाली बात होगी कि फास्ट चार्जर इंक्लूडेड है कि नहीं है या हमें अलग से लेना पड़ेगा। और 189 grams का इसका वेट है, सो काफी हैवी है। प्लस 9.5 mm की थिकनेस है, आपको बता चुका हूँ काफी मोटा फोन है। और गोल्ड और ग्रे कलर्स में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल होगा। और कनेक्टिविटी फीचर की बात करें तो 2G 3G 4G OTG ये सब आपको मिल जाएंगे। माइक्रो USB और टाइप सी भी नहीं दिया इन्होंने। सेंसर्स भी सभी मिल जाएंगे आपको, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर सभी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। प्लस एंड्रॉयड मार्शमेलो है और इसमें इन्होंने वादा किया है ये नोगेट का अपडेट जरूर देंगे। बाकी मैं ओपिनियन की बात करूं तो ये सिर्फ बैटरी सेंट्रिक फोन है, 5000 mAh की रैम भी सही है 4GB की, बट मिसिंग है वही प्रोसेसर, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहने नहीं वाली। इससे अच्छे फोन आपको मिल जाएंगे। ये कंपटीशन दे रहा है रेडमी नोट 4 को और K6 पावर को, उनकी बैटरी ऑलमोस्ट 4000 mAh है और इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन का दोनों फोन है, सो वो बेटर है। ये सिर्फ एक 1000 mAh बैटरी है, 2 दिन तक चलेगी ये फोन। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।